Trying to bite me? Hello, good morning. I hope you all are doing well. So it's a new day, a fresh start, a fresh beginning. तो चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं. मैंने ऑलरेडी अनियन कट कर दिया है. अभी मुझे बनाना है ऑमलेट. तो इसके लिए मैं अभी टमाटर काट रही हूँ. इस बार मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाए, और वो भी हिंदी में. मैंने टमाटर काट लिए हैं, तो अभी मैं इसमें अंडे डालती हूँ. तो ये अभी मैं बीट कर लूँगी अंडे को. ये मेरा चाइल्डहुड का स्पेशल ऑमलेट है जो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बनाया करती थी, एंड दिस इज़ माय फेवरेट. आई होप आपको ये मेरा व्लॉग आज का पसंद आएगा. मैंने पैन में ऑयल ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और अभी मैं डाल रही हूँ अपना अंडे. तो अभी मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ. तो ये मैं पेड़े बना रही हूँ. मुझे लच्छेदार पराठे चाहिए थे. तो ये मैंने ऑलरेडी चावल भिगो लिए हैं. ये यूजुअली जब मैं सुबह में उठती हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट जब बनाती हूँ, तभी मैं ये सोक करने के लिए रख देती हूँ, ताकि जितना वो अच्छा सोक होंगे उतना खिले खिले बनेंगे. तो चलो अपना ऑमलेट देखते हैं. ये रहा अपना ऑमलेट. तो उसी तवे पर हम अभी अपने पराठे बना लेते हैं. तो ये रहा मेरा पराठा और ये रहा मेरा ऑमलेट. मैं ज़्यादातर व्हीट पराठा प्रेफर करती हूँ, एज इट इज़ वेरी हेल्दी. मैदा ज़्यादातर नहीं करती, अवॉइड करती हूँ मैदा. तो इसके साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी ख़त्म हो चुका है. मैंने सोचा अब मैं अपनी लॉन्ड्री कर लेती हूँ. मॉर्निंग का स्केड्यूल मेरा यूजुअली बहुत बिजी रहता है, तो बच्चे जाने के बाद मैं थोड़ी नैप लेती हूँ. उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैं लॉन्ड्री करके फिर सफाई वफाई करके फिर अपना लंच प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेती हूँ. तो इसी के साथ मेरी लॉन्ड्री का मैंने फिनिश कर लिया है. अब हम चलते हैं अपना लंच बनाने के लिए. चावल तो मैंने पहले ही भिगो लिए थे. तो मैंने लंच की प्रिपरेशन भी शुरू कर ली है. यहाँ पे मैंने घी राइस बनाया है, और यहाँ पे मैं दाल गोश बना रही हूँ. यहाँ पे पहले से ही मैंने दाल को गला लिया है. ये चना दाल है. तो मैंने अपना लंच बना लिया है. बस एक ही काम रह गया है, बस अपना बेड सेट करने का. मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर ली है, तो ये मैंने अपना बेड सेट कर लिया. तो ये इवनिंग के टाइम थोड़ा हमारे पास जो हमारे पेट्स थे तो हम उसके साथ खेल रहे थे. ये जो कैट जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेस्क्यू करके मेरे हस्बैंड लेके आए थे. बस दो दिन पहले आई थी ये कैट. ये बेचारी बहुत वीक हो चुकी थी, तो ऐसे ही रो रही थी, तो मेरे हस्बैंड पिटी खा के लेके आ गए. वैसे तो मैं बहुत डरती हूँ कैट से, बट पता नहीं मुझे ये बहुत क्यूट लगी. ये जो था ये रमज़ान के टाइम पे मेरे बेटे ने जब तरावी जा रहा था वापसी के टाइम इसको देखा था कि वो उड़ नहीं पा रहा था, तो ये लेके आ गया. तो इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है. नहीं
Now it's time for you to come here, Lily. तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।